अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूप का तिनको स्वरूप जान राग ते भाई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भरे कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। छत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ के आधार से यहाँ काष्ठांगार की चर्चा को प्रारंभ किया। रानी को स्वप्न आए, स्वप्नों का फल राजा सत्येंद्र से पूछा और उसके फल में राजा समझ गया इस बात को कि मेरा मरण होना है। कुछ कहा नहीं, लेकिन शब्दों में जो थोड़ी सी झिझक थी उससे वे स्पष्ट रूप से पहचान गई रानी कि कुछ अशुभ की आशंका दिखाई दे रही है। और फिर काष्ठांगार ने अपना खेल खेलना शुरू किया। काष्ठांगार दुष्ट था, उसने कुटिलता से अन्य जो मंत्री आदि थे उन सब के पास में षड्यंत्र रचना शुरू किया और कहा कि मुझे जो राज्य का देव है ना, रक्षक देव, वो देव मेरे सपने में आता है और बार बार में मेरे को कहता है कि तुम विद्रोह करो, तुम विद्रोह करो। ये उसने अन्य मंत्रियों को जैसे थोड़ा बहुत माहौल बनाने का उसने प्रयास किया, तो क्या करें मतलब। फिर अब इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, इस कल्पना को श्लोक नंबर 42 42 नंबर श्लोक देखिए, पेज नंबर 67। राजद्रोही देव के कथन पर विचार। स्वंतम किम दुरंतम वा किम दर्कम वितर्कयाताम् अतर्कितम् मिदं वृत्तम् तर्करूढं हि निश्चलम्। स्वंतम्, इसका अंत अच्छा है अथवा बुरा है, इसका क्या परिणाम होगा, इस विषय का तुम विचार करो। यह वृत्तांत अभी तक बिना विचार किया हुआ है। नीति क्या कह रहे हैं, जब यह विचार निश्चय से तर्क पर चढ़ेगा तब ही स्थिर निश्चित हो जाएगा। माने काष्ठांगार ने मंत्रियों से यह बात कही। काष्ठांगार ने कहा, हे मंत्रीगण, मुझे जो राजद्रोही देवता राजा सत्येंद्र के साथ विद्रोह करने की प्रेरणा दे रहा है, उसका अच्छा बुरा क्या परिणाम होगा, उस पर आप विचार कीजिए, क्योंकि इस बात पर अभी तक मैंने विचार नहीं किया है। तर्क के आधार से हिताहित का विचार करने पर ही कोई भी नई योजना निश्चित होती है। कर नहीं सकता था डायरेक्ट कुछ भी क्या? तो बोले मेरे तो बार बार में ये आ रहा है मन में, मेरे को तो मन में बार बार में ये आ रहा है, सपना आ रहा है, विचार आ रहा है, मैंने कुछ विचार किया नहीं है, लेकिन आप विचार करो इसके बारे में, आपका क्या कहना है। मायाचारी मनुष्य अपने कुकृत्यों की पुष्टि दूसरों से कराना चाहता है। नीति है, जिसके हृदय में मायाचारी का परिणाम आता है वो व्यक्ति दूसरों से उसका पोषण कराना चाहता है और स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है। मायाचारी का प्रत्येक कार्य कपट से भरा हुआ ही रहता है। मायाचारी की कपट की हम कल्पना नहीं कर सकते, उसके हृदय में क्या कपट चलता रहता है, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि ये कपट कितना खतरनाक है।
उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में लिखा, माया तिर्यग योनस्य, पढ़ा है आपने, मायाचार के फल में तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि चारों गतियों में सबसे ज़्यादा दुख तिर्यंच गति में है, नरक में नहीं, तिर्यंच में है। क्योंकि तिर्यंच गति में निगूध भी आता है। हम आपसे पूछें नरक में ज़्यादा दुख है या निगूध में ज़्यादा दुख है, तो क्या कहोगे बोलो, हैं, निगूध में ज़्यादा दुख। तो ये निगूध कौन सी गति में है, तिर्यंच गति। इसका मतलब तिर्यंच गति में बहुत दुख है अपने स्वरूप को भूलकर। लेकिन मायाचार के परिणाम से तिर्यंच मिलता है, इसलिए मायाचारी ना करें, सावधान रहें। ये मायाचारी का फल अत्यंत बुरा है, यह बात यहाँ इन्होंने कही है। दूसरों से पुष्टि कराना चाहते, मैं क्या करूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं, ये तो उनकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, घुमा फिरा करके बात करता है। स्वयं तो महंत बने रहना चाहता है, अपना दोष दूसरे पर लगाता है, स्वयं निर्दोष बने रहना चाहता है। तो देखिए क्या कहा यहाँ, स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है। मायाचारी का प्रत्येक कार्य कपट से भरा हुआ ही रहता है। मायाचारी माने कपटी, मायाचार मतलब छल, धोखा, मन में कुछ, वचन में कुछ और करें और कुछ, इसका नाम मायाचारी है। हैं और कुछ और दिखाना चाहते हैं और कुछ, इसका नाम मायाचारी है। नहीं नहीं साहब, हम तो मायाचारी नहीं करते, हमारे का एक मायाचारी तो जो बिल्कुल स्पष्ट बात है, कोई मायाचारी नहीं है हमारे मन में। अच्छा, अपने अंतरंग में झांक के देखो आप क्या हैं और आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, बोलो आप हैं कैसे और आप कैसा दिखना चाहते हैं, आप कैसा दिखाना चाहते हैं। क्या सच में आप दुनिया के सामने जैसे दिखते हैं आप वैसे ही हैं? अब अपने मन से पूछो, आप जितने धर्मात्मा बनते हैं कि दिखना दिखाना चाहते हैं, क्या आप उतने ही धर्मात्मा हैं? जितनी भक्ति भाव से आप पूजन करते दिखते हैं, क्या सच में उतना भक्ति भाव आपके अंदर में है? जितने उत्साह से आप दर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, सच में सोचना कि क्या ये उत्साह दूसरों को दिखाने के लिए तो नहीं है, या अंदर में वास्तव में है? ये मायाचारी को पकड़ने के लिए कह रहा हूं। आप तो क्या पकड़ेंगे और क्या कहेंगे, क्योंकि नहीं कहने में भी तो मायाचारी चल रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, वैसे इतना वैसे कोई, हम तो कोई मायाचार नहीं है, तो झलक रहा है तुम्हारे वचनों से, अंदर की बात प्रकट नहीं हो रही है। लेकिन आदरणीय जुगल जी बाबू जी ने अपनी पूजन में लिखा क्या, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, उसमें रिजुता का लेश नहीं, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, परिणति कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती है। बताओ, वो तो सरलता से जिनेंद्र भगवान के सामने अपने अंतरंग स्थिति और बहिरंग की परिस्थिति, इन दोनों को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं, और हम तो नकल भी कैसी कर रहे हैं बताओ। क्या लिखा उन्होंने, निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, भेद माने भेद, दो चार
सीक्रेट है भेद, भेद खुल नहीं जाए, बोलते हैं ना, भेद माने सीक्रेट, भेद माने राज, भेद माने रहस्य, अंदर का रहस्य बतला रहा हूँ। हे भगवान, आज तक किसी को नहीं बतलाया, अब आप तो अंतर्यामी हो, आपसे क्या छिपा है, आपसे छिपा के भी क्या कर लूँगा, आपको मालूम है ना सब। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ कि क्या रहस्य बतला रहा है, बोल अपने मुंह से। उसमें ऋजुता का लेश नहीं, लेश मात्र भी सरलता नहीं है, ऋजुता नहीं है माने आर्जव नहीं है, ऋजोर भाव है आर्जवम, ऋजुता माने सरलता के भाव को आर्जव कहते हैं, ऋजुता नहीं है, आर्जव नहीं है, और आर्जव नहीं है वहां मायाचारी है। चले, उसमें ऋजुता का लेश नहीं कि कैसी कैसी बात कर रहा है, सच कह रहा हूं, सोचता कुछ हूं, कहता कुछ और हूं, और करता पता नहीं क्या हूं। करना क्या है ये पहले दिमाग में चल रहा है, और बोल क्या रहा हूं, अब बोलो क्या क्या करें। कैसा कह दिया इन्होंने, कपट से भरा हुआ प्रत्येक कार्य दिखाई देता है, किसका, मायाचारी का। ये तो बड़े बड़े मायाचारी लोगों की बात कर रहे हैं, अपन लोग तो छोटे लोग हैं, क्या हमारी क्या मायाचारी चलेगी, भोजन कर लिया, नहीं किया हो ना, नहीं कर लिया, कर लिया कर लिया सब कर लिया, अभी अभी हम क्या है, हम तो क्या है, इधर छोटी छोटी, ये तो बड़े मायाचार व्यक्ति की बात है, काष्टांगार जैसों की चर्चा चल रही है, राज्य हड़प लेने की भावना जिसके मन में चल रही है, ऐसे मायाचारी व्यक्ति की चर्चा चल रही है, ऐसी मायाचारी तो अपन लोगों के मन में नहीं हो सकती कि किसी का कुछ हड़प ले। चलिए, काष्टांगार की ही कुटिलता को बतलाते हैं। जेमी वक्तुमप्येत दुग्धिर्देव भयादिति मनस्यन्यद्वच्यन्य कर्मण्यन्य सिद्धि पापिनां। काष्टांगार कहता है कि अहम, मैं तो एतत् वक्तुमपि, ये कहते हुए भी जिगेम लज्जित हूँ, किंतु देव भयात इति उक्ति, देवता के भय से मैंने ये कहा, मतलब मैं ये बात कहना नहीं चाहता था आपसे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऐसी बात कह रहा हूँ कि राजा के साथ में विद्रोह करो, ये अच्छी बात नहीं है, ये बात कहते हुए मेरे को शर्म आ रही है, मैं लज्जित हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे ऊपर से प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है देवता का, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ गई है, मैं नहीं कहना चाहता था, ऐसा मत समझना कि मैं ऐसा चाहता हूँ। ये देखो, मायाचारियों के मन में और मायाचारियों के वचनों की ये स्थिति कदम कदम से देखी जा सकती है, ऐसे होते हैं लोग दुनिया में। हड़प लेने की बात तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटी छोटी सी बातों में अंदर में कुछ चल रहा होता है, कहते हैं ना, मन में आवे मुंह हिलावे, ऐसे ऐसी जो बात चलती है क्या, सो बात यहाँ कह रहे हैं, मन में तो आ रही है क्या, और कह रहा है नहीं नहीं मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता ऐसा, मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर दबाव है। कभी कभी ये अपने मन की बात लोगों के मुँह में डाल करके भी कहता है, ये वही बात है ना, इसने देवता के मुंह में डाल दी ये बात, उसका दबाव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आप क्या कहते हैं, कोई बात आपको पसंद नहीं आती है तो आप क्या कहते हैं, अब खुद क्यों बुरे बने, लोग ऐसा कह रहे हैं क्या, आपने ये जो कहा है ना, कई लोगों ने इसका विरोध किया है, अरे तू कर रहा है सामने से अभी तो क्या, औरों ने किया है कि नहीं किया, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरे से तो कई लोगों ने कही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बोलो, मेरा मन तो साफ है, मेरे मन में कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग ऐसा, कि थोड़ा सा समय से चलाया करो, क्या लोग ऐसा कह रहे हैं, रात को देर तक मत चलाया करो, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है क्या
लोगों का ऐसा कहना है। अरे वाह, स्वयं तो साहूकार बने रहना चाहता है क्या? इनको प्रवचन करने के लिए क्यों बैठा दिया? लोग बातें कर रहे हैं ऐसी, तो लोग जो बातें कर रहे हैं उसको तू अपने मुंह से कह रहा है, माने तेरा भी मन है ना ऐसा क्या? तभी तो कह रहा है तू। ये देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, ये काष्ठांगार के मन की बात को पकड़ करके कह रहे हैं। और अपन तो जानते ही हैं काष्ठांगार के मन में बैठ के देख रहे हैं अपन लोग तो क्या, और लोगों को नहीं पता था इस तरह का, लेकिन हमें तो काष्ठांगार के मन की स्थिति का पता है। देखो अत्र है नीति, निश्चय से पापियों के मन में कुछ होता है और वचन में कुछ होता है और कृति में कुछ अन्य ही होता है। ये वस्तु स्थिति है, ये जगत के जीवों का चित्रण करा रहे हैं यहाँ। ये नीति, जब बार बार में नीति शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए, ये कहानी नहीं सुना रहे हैं, ये हमें उपदेश दे रहे हैं भैया क्या, ये हमें उपदेश दे रहे हैं, समझ लो तुम और समझो और समझ लो क्या, पहले तो समझो और समझने के बाद में फिर समझ लो। बिना समझे समझोगे कैसे, और समझना चाहते हो उससे पहले समझो कि करना क्या है। ये उपदेश यहाँ दे रहे हैं। देखो काष्ठांगार पुनः कहने लगा, राजद्रोह के इस विचार को कहते हुए मैं स्वयं अत्यंत लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ, तथापि राजद्रोही देवता के भय से आपके समक्ष कहने को मजबूर होना पड़ता है। मजबूर होना पड़ रहा है, कुटिलाचारियों के मन में कुछ होता है, वे वचन से कुछ अन्य कहते हैं और शरीर से कुछ दूसरा ही कार्य करते हैं। जगत के जीवों का ऐसा स्वरूप दिखाई देता है। विशेषार्थ में क्या कहते हैं देखो, दुष्ट काष्ठांगार के सभी क्रियाकलाप मायाचारी के सर्वोत्कृष्ट प्रतीक हैं। सर्वोत्कृष्ट मायाचारी के प्रतीक हैं, दृढ़ मिथ्यात्व के सानिध्य में बहुत मार्मिक है। विशेषार्थ जितने भी लिखे हैं ना बहुत मार्मिक लिखे हैं। दृढ़ मिथ्यात्व के सानिध्य में विद्यमान अनंतानुबंधी के तीव्र कषायोदय के कारण ऐसे ही परिणाम होते हैं। अंदर में बैठी है मरी हुई बिल्ली कुएं में और बाहर में पानी खाली करके समझ रहा है कि अब तो अच्छा साफ पानी आया है, पानी में बदबू आ रही है कुएं में, गांव में बिल्ली गिर गई किसी गांव में कुएं में और पानी में बदबू आने लग गई, पता नहीं था तो क्या करें हम, ये पानी पता नहीं कैसे सड़ गया, गंदा बदबूदार आने लगा है, एक काम करो आज पूरा का पूरा कुआं खाली कर दो, फिर जो साफ पानी आएगा ना क्या वो सही आएगा। पूरा कुआं खाली कर दिया लेकिन मरी हुई बिल्ली नहीं निकाली। अब बोलो कुएं में तो सीर चलती है ना, तो पानी अपने आप आ जाएगा वापस, फिर हैं वही सड़ा हुआ ही आएगा। पूरा पानी बदल देने पर भी, ये पानी तो बदल दिया, अंदर में जो बैठी थी ना वो, ये ऊपर ऊपर के परिणाम तो बदलने की चेष्टा करता है लेकिन अंदर में ये जो दृढ़ मिथ्यात्व बैठा हुआ है, ये पाप नहीं महापाप है, ये पाप का बाप नहीं बाप का बाप है, ये पाप का दादा है, ये सबसे बड़ा पाप है ये मिथ्यात्व। इसे देखकर किसी जीव को लगता नहीं है कि कुछ मिथ्यात्व हुआ होगा, इसे देख करके किसी को लगता नहीं कि कुछ गड़बड़ी हुई है। इसमें क्या है, इसमें कौन सी गलती है, महापाप है। जीवों को मारने बचाने के परिणाम, मारने के परिणाम पर तो घृणा करता है लेकिन मैं मार सकता हूं, मैं बचा सकता हूं, ये इतना बड़ा पाप है जो मारने के भाव से ज्यादा बड़ा पाप है। क्या क्या कह रहा हूं बाबू सुनो मेरी बात, क्या कहा मैंने, किसी जीव को मारने का भाव आया आपके मन में, हत्या करने का भाव आया, चक्कू से इसकी जान ले लो, इसकी
ऐसा भाव है, एक भाव तो ये। और दूसरा, मैं किसी जीव को बचा सकता हूं, ये बोलो। एक में तो भाव क्या आया कि मैं इसकी चक्कू से हत्या कर देता हूं, और दूसरी बात क्या है, मैं इसको बचा सकता हूं। बोलो दोनों में से कौन बड़ा पापी है? कि मैं बचा सकता हूं, ये मान्यता वाला महापापी है। मैं इसको मार दूं, ये जो भाव आया है, ये भाव आने वाला कम पापी है और वो बड़ा पापी है। बात हो यार, क्या उल्टी सीधी बातें कह रहे हो? क्यों सर, उल्टी सीधी लगेगी ऐसी बातें? मारने के भाव को तो आप कह रहे हो कि ये तो कोई बात नहीं है, और मैं बचा सकता हूं उसको महापाप कह रहे हो। यहाँ कर्तृत्व की जो मान्यता है ना, वो मिथ्यात्व है, वो पाप है। दुनिया में कोई किसी को मार नहीं सकता और कोई किसी को बचा नहीं सकता। मैं बचा सकता हूं, ये मान्यता, ये श्रद्धा का दोष है, ये मिथ्यात्व है। और चारित्र मोह की कमजोरी से ज्ञानियों को भी किसी को मारने का भाव आ जाए तो आ जाए। बोलो, विरोधी हिंसा, क्या उद्योगी आरंभी हिंसा, इस तरह की हिंसाएं होती है जीवन जीवन में ज्ञानियों की, विरोधी हिंसा, मारने का भाव आ जाता है। यार यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारे को इसके प्राण लेने पड़ेंगे, क्या करें? यदि शांति से चुपचाप रावण ने सीता को नहीं लौटाया तो अपन मजबूर होकर के हमारे को युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लड़ने का भाव आ रहा है, और लड़ भी रहे हैं और तीर भी चला रहे हैं, और एक दो नहीं हजारों लोगों को मार भी रहे हैं। हजारों लोग मरे हैं 6 महीने के युद्ध में, अनगिनती लोग मरे हैं। किससे? रामचंद्र जी से। लेकिन महापाप नहीं हो गया, सीता की सुरक्षा का सवाल था। अब कौन माने इस चीज को? अब ये कह रहे हैं, अंदर में दृढ़ महामिथ्यात्व बैठा है, तो तुम्हारी जो मायाचारी है, वो मायाचारी कैसे खेल खिला देवे, कुछ आश्चर्य वाली बात नहीं। क्या कल परसों कही है उन्होंने, सुमत प्रकाशन शिविर चल रहा था ना कल तक, तो क्या बात कही है उन्होंने? ये औदय भाव है, कुछ ठिकाना नहीं है इसमें, इस औदय भाव का कुछ भरोसा नहीं है। क्या चल रहा है और क्या हो गया और क्या औदय भाव आ गया, ये क्या दम है इसमें? थोड़ा सा अच्छा परिणाम आता है तो अपने आप को महान समझने लगता है, थोड़ा सा खोटा परिणाम आ जाता है तो अपने आप को बुरा समझने लगता है, लेकिन स्थिति तो औदय भाव की है। इससे भिन्न देख अपने आप को, भिन्न नहीं देखता है, ये महापाप है। आपका आना नहीं हुआ सब, औदय भाव आना, खराब से खराब औदय भाव आ जाना, ये इतना बुरा नहीं है। खराब से खराब औदयिक भाव आ जाना ये बुरा नहीं है, लेकिन औदयिक भाव से भिन्न अपने आप को नहीं पहचानना, ये महापाप है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में औदयिक भाव आ जाते हैं, लेकिन वे औदयिक भाव से अपने आप को भिन्न पहचानते हैं, इसलिए महापापी नहीं। क्या बातें हैं, एक ही स्तर की बातें कर रहे हैं यहाँ। ये कह रहे हैं दृढ़ मिथ्यात्व बैठा है, अरे नहीं नहीं, कितना फूटा भाव आ गया, ऐसा मायाचारी का परिणाम, दुष्ट है ये तो, कि जिस काष्ठांगार को तुम दुष्ट कह रहे हो, ये तुमसे पहले मुख चला जाएगा, क्या करोगे? पता नहीं ना अपने को, क्या जा सकता है ना उसमें, क्या क्या दम है उसमें? अंजन जैसे चोर नहीं चले गए क्या, तो मोक्ष चले गए ना? कीचक जैसे नहीं चले गए क्या? क्या भीम के मुक्के खाते खाते कीचक को सम्यक दर्शन हो गया, पता है आपको? मेज बदल करके बैठा था क्या, वो द्रौपदी को बुलाया था मायाचारी से, छल से। 12 साल के वनवास के दौरान वो कीचक के वहां ये रसोईया की नौकरी कर नौकरी पे लग गए थे ये लोग, मेज बदल करके, पांचों पांडव द्रौपदी आदि वेश बदल करके वहां नौकरी करते थे, काम करती थी द्रौपदी, उस पर मोहित हो गया क्या? अब वो जो था कीचक, वो छेड़ता था उसको, और इशारा करके सारी बात उसने द्रौपदी ने उसको बतलाई,
भीम को बताइए। बोले वो मेरे को मिलना चाहता है रात को। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो बुला लेना उसको रात को। अरे द्रौपदी का भेद बना करके बैठ गया भीम, साड़ी पहन करके, और कीचे का आया तो फिर क्या हुआ होगा उसका, खूब पीठ धुनाई हुई उसकी, धुनाई हुई। ऐसे खोटे परिणाम वाला जीव, वो इधर से भीम के मुक्के पड़ रहे हैं, और श्री गुरु ये कहते हैं उस मुक्के खाते खाते उसको भेद विज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया उसको, बोलो मोक्ष मार्ग ही हो गया, वो मोक्ष चला गया क्या? ऐसे 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 खोटे परिणाम वाले माने ये मिथ्यात्व रूपी महापाप यदि चला गया तो काम हो जाएगा, समझ लो आप, और मिथ्यात्व रूपी महापाप यदि बैठा हुआ है तो काम नहीं। बोलो क्या करना है, हैं? कीचक की बात कह रहा हूं, भीम की नहीं, ये कीचक समझ रहे थी देर से, भीम नहीं है, भीम नहीं है, कीचक है, कीचक समझना, भीम समझ रहे हो। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, आप वो परिणाम को पढ़ना वापस, पांच पांडव वाला अपना जो प्रवचन था वो सुनना, नहीं सुनना आपने, वापस सुनो तो आपको पता लगेगा। पत्नी तो अर्जुन की थी क्या, ये पांचों की पत्नी क्यों कहलाती है? वहाँ वहाँ बैठ करके पीछे वहाँ चलती थी अपनी सभा, उस समय पढ़ाई थी, कहते कि वो माला जब अर्जुन के गले में डल रही थी तो माला टूटी और फूल उछल करके पास में खड़े हुए और पांडवों के ऊपर भी गिरे क्या? तो लोगों ने मजाक में ये कहना शुरू किया, अरे अर्जुन के साथ में नहीं पांचों के साथ में विवाह हुआ है, ये लांछन उसके ऊपर लगा, वो तो निर्दोष थी, वो तो उसकी तो शादी अर्जुन के साथ में हुई थी। देखो क्या कह रहे हैं, ये कितनी सुंदर बात कहती, दृढ़ मिथ्यात्व के सानिध्य में विद्यमान अनंतानुबंधी के तीव्र कषायोदय के कारण ही ऐसे परिणाम होते हैं, इस तरह के खोटे परिणाम आते हैं। काष्ठांगार के कथन का परिणाम, अब इस कथन का क्या परिणाम निकला, कह तो दिया उसने, फल क्या निकला? प्राणी हिंसरात् शुद्रा दुर्भिक्ष तस्यैवं सभ्याः सर्वे हि तत्र सुः। काष्ठांगार के इन वचनों से कुलीन पुरुष को निंदा से संयमी पुरुष जीवों की हिंसा से और सामान्य जन अकाल से डर गए। जैसे ही काष्ठांगार ने बात कही ना, तीन तरह की परिस्थितियां वाले लोग थे वो सुनकर के, क्योंकि एक वाक्य किसी के द्वारा कहा जाता है तो कौन व्यक्ति उस पर क्या रिएक्ट करेगा, ये सबके साथ अलग अलग परिस्थिति बनती है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ, कुलीन पुरुष तो निंदा से डर गए, संयमी पुरुष जीवों की हिंसा से और सामान्य पुरुष अकाल से डर गए। इस प्रकार काष्ठांगार के इस कुटिल व्यवहार से रोज जाती है यहाँ से शिवकली मेरे मेरे यहाँ से यही नहीं से हाँ संपूर्ण सभ्य पुरुष भय युक्त हो गए। देखो सरल आप क्या कह रहे हैं, काष्ठांगार के इन राजद्रोही वचनों को सुनकर, काष्ठांगार के इन राजद्रोही वचनों को सुनकर कुलीन पुरुष तो भविष्य में होने वाली निंदा से, संयमी पुरुष हिंसा से और सामान्य पुरुष अकाल की शंका से अतिशय भयभीत हो गए, डर गए वे सभी। इस प्रकार संपूर्ण प्रजा भयाक्रांत हो गई, सारी की सारी प्रजा डर गई, क्योंकि काष्ठांगार ने जब इस प्रकार के वचन कहे कि क्या होने वाला है
देखो आप मैं क्या करूं, राजा के साथ में विद्रोह करना चाहिए। जब इस प्रकार की बात कही गई तो प्रजा डर गई कि क्या होगा, राज्य सत्ता चली जाएगी, राजा के साथ में विद्रोह करने की बात कह रहा है, अब राज्य के अंदर क्या झगड़े होंगे, विवाद होंगे, लोग दो टुकड़ों में बट जाएंगे, लोग मरेंगे, क्या डर तो लगता ही है ना ऐसी स्थिति को देख करके। आज समझ लो हम कोई दूसरे विद्रोह करने लगे, बीजेपी के साथ में कांग्रेस, के कांग्रेस के साथ में बीजेपी विद्रोह करने लगे और ये बात आ जाए कि ये विद्रोह करने को तैयार हो रहे हैं, अब क्या होगा। मोदी जी ने कोई ये घोषणा की और दूसरे पार्टी वाले कहें कि हम विद्रोह कर रहे हैं तो उससे ही घबराहट होती है ना कि क्या होगा, ये दंगे हो जाएंगे अभी सब। तो इस दंगों के विचार से वे वहां जो प्रजा थी वो प्रजा भयाक्रांत हो गई। देखो विशेषार्थ में बहुत मार्मिक बातें कहते हैं, विशेषार्थ यहां कारण तो एक राजद्रोही का वचन है और उसका परिणाम भिन्न भिन्न लोगों पर उनकी मनोदशा के अनुसार भिन्न भिन्न ही हुआ। इसका मतलब ये है जगत में घटने वाली जितनी भी घटनाएं होती है, जगत की जितनी भी परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों में सबके साथ में सब मन में चलने वाले विचार वो सब अलग अलग होते हैं। तेज बरसात आ रही है, मुझे नहीं मालूम किसके मन में क्या विचार चल रहा है, है? ये कब रुकेगी, पानी बहुत भर जाएगा, ये तो हम आए थे उस समय बरसात थी नहीं, हम तो छत्ता भी लेकर के नहीं आए, क्या अब क्या होगा, अब कितनी देर चलेगी, अब कैसे होगा, क्या इनको विचार आ रहा है कि मेरा हेलमेट बाहर ही पड़ा था वो तो पूरा पानी से भीग जाएगा। एक घटना को देख करके हम कैसे पहुंचेंगे, हमें तो जल्दी जाना था, अब तो फंस गए, अब तो अटक जाएंगे यहाँ, रास्ते में पानी बहुत भर जाएगा, पैदल कैसे जाएंगे, क्या मैं रोजाना गाड़ी लेकर के आता हूँ, आज ही बाइक लेकर के आया, कैसे कैसे भर। एक चीज को देख करके सबके चित्त में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। ये यहाँ कह रहे हैं काष्ठांगार ने जो एक योजना, एक षड्यंत्र की बात अन्य मंत्रियों के सामने रखी तो न केवल मंत्री, वहां उपस्थित सभासद और जो प्रजा थी सबके चित्त में अपने अपने अलग अलग तरह के विचार आने लगे, क्या होने वाला है। देखो ये घटना सिद्ध करती है कि किसी भी कार्य में निमित्त कुछ भी नहीं करता है, सुंदर निष्कर्ष है, निमित्त ने क्या किया वो क्या करे। यदि निमित्त में अपनी ओर से कुछ करके दिखाने की शक्ति होती तो एक ही राजद्रोह के विचार से अनेक व्यक्तियों के अलग अलग विचार क्यों होते। बोलो एक बात को सुनकर सबके अलग अलग तरह के विचार क्यों होते, इसका मतलब कहने से नहीं हुआ तो फिर क्या है, सबके एक जैसे समान परिणाम होना चाहिए थे इसलिए सबके समान परिणाम नहीं हुए। ये इस बात को दिखाता है कि निमित्त कुछ करता नहीं है। एक व्यक्ति ने गाली दी, बोलो कैसा लगेगा, कैसा बुरा ही लगेगा, पता नहीं, हो सकता है बुरा नहीं भी लगे, हो सकता है एक व्यक्ति बहुत अधिक रिएक्ट करे, हो सकता है एक व्यक्ति झगड़ने लगे, हो सकता है एक व्यक्ति उसको बहुत इजी गोइंग ले लेवे, हो सकता है एक व्यक्ति सुनी अनसुनी कर देवे। तो तेरे को जो क्रोध का परिणाम आया है ये तेरे अंदर में तेरा हाजमा कमजोर है क्या, तेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही, इन्होंने ऐसी बात क्यों कही, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं इस बात को कि तू यदि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो अपनी पावर को बढ़ा क्या, सामने वाले के ऊपर दोषारोपण मत कर। हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं क्या, बताओ ये बात क्या? एक बच्चा, आपका बच्चा आपके पास में रोता हुआ आया, मम्मी ये मेरे को चिढ़ा रहे हैं, ये मेरे को चिढ़ा रहे हैं, ये देखो मेरे को कैसे कह रहा है, रोता हुआ आया वो, तो आप क्या सिखाएंगे बोलो बच्चे को, बेटा ऐसे दूसरे के कहने से रोते नहीं है क्या, तू यहां से बाहर निकलेगा भी, स्कूल जाएगा तो कौन कौन क्या क्या कहेगा, कहने वाले कहते रहते हैं, तू क्यों सोचता है, आप क्या सिखाते हैं बताओ, यही तो बात कहते हैं ना आप, कहने वाले कहते रहते हैं, ध्यान मत दो उसकी तरफ, ये बात यहां सिखा रहे हैं नीतिकारों के माध्यम से
ये कह रहे हैं दुनिया में घटने वाली परिस्थितियां घटती रहेगी, कौन क्या कहेगा, कौन गाली देगा, कोई पैसा छीन लेगा, कोई चोरी करके ले जाएगा, कोई आपको धक्का दे देगा, कोई आपका मकान हड़प लेगा। अरे दुनिया में तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी ही सब। संसार किसका नाम है, किसका नाम है बताओ? अनेक संकटों के साम्राज्य को संसार कहते हैं। ये परिभाषा लिखी पीछे संसार में, लिखा है कहाँ लिखा है? नीचे से दूसरा वाक्य देखो, अनेक संकटों के साम्राज्य को ही संसार कहते हैं। आप संसार में हो के नहीं है? कितने कितने संकट आएंगे बताओ? कभी बच्चे सामने जवाब देंगे है? कभी कोई कहना नहीं मानेगा, कभी मकान मालिक परेशान करेगा, तो कभी किराएदार परेशान करेगा, कभी गाड़ी रास्ते में अटक जाएगी, बोलो, कभी तबीयत खराब हो जाएगी, कभी बुखार हो जाएगा, तो कभी घुटने दर्द करेंगे, ये आपत्तियां तो है ही ना। कभी पत्नी का स्वर्गवास हो जाएगा, तो कभी जवान बेटा चल बसेगा। कितने संकट ही संकट हैं संसार दशा में रहते हुए। कभी बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, कभी बिल जमा कराना भूल जाओगे। आपदाएं तो आती रहेंगी, इसका नाम ही संसार है, लेकिन उन आपदाओं के काल में आप कितने सहज और शांत रह सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सहज रहो, आप शांत रहो, आप सरल बनने का प्रयास करो। ये देखो क्या कह रहा है, अलग अलग विचार क्यों आते, इसका मतलब किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसने काम बिगाड़ दिया। जैसे तुम काम बिगाड़ना कह रहे हो, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा काम किया। अब जो हुआ है, जो होता है वो होने दो, होनी को स्वीकार करो। देखो प्रत्येक द्रव्य, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य हर वस्तु जगत की अपनी अपनी योग्यता से स्वयं को जैसा परिणमाना है वैसा ही परिणमाता है। प्रत्येक द्रव्य अपनी योग्यता से स्वयं को जैसा परिणमाना है वैसा परिणमाता है। परिणमाना मतलब परिवर्तन करना, बदलना, बदलाव होना। उस समय उस परिणमन कार्य के लिए जो अनुकूल होता है उसे निमित्त कहने का व्यवहार जगत में सदा से ही चला आया है। ये निमित्त है, निमित्त है, लेकिन निमित्त कुछ करता नहीं है। निमित्त क्या करे, निमित्त क्या करे बतलाओ? समझाने वाले क्या करें? समझाने वाले समझाते रहे बरसों तक और नहीं समझ में आई, और फिर जब समझ में आई तो समझाने वाले नहीं रहे तो समझ में आई। ऐसा भी तो होता है कि नहीं? कई बार पिताजी जीवन भर समझाते रहे, बेटा जल्दी उठाकर, बेटा ऐसे क्या बिस्तरों में पड़ा रहता है, बेटा क्या ऐसे करता है, जीवन भर पिताजी समझाते रहे, और फिर कब समझ में आई? जब पिताजी चल बसे ना, जीवन भर पिताजी की बात नहीं मानी, अब जब पिताजी चल बसे तो याद आती है, अब तो कम से कम मेरे को इस बात को मानना ही चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो समझ में आती है, समझाते रहो तो समझ में नहीं आती। फिर आप क्या कहते हैं, जब समझ में आनी होगी तभी आएगी। बच्चों को भी समझाने की चेष्टा करते हैं ना, फिर नहीं समझते हैं, तो फिर आप क्या कहते हैं, अब नहीं समझ रहा है तो नहीं समझेगा यार, बड़ा होकर समझेगा, अभी नहीं समझता है क्या करें, अभी इतनी उछल कूद करता है, ये नहीं मान रहा है ना, ये कब समझेगा, जब लगेगी ना इसके तभी समझेगा। अब हम तो समझा समझा कि सब गए, नहीं मानना मत मान, क्या करें। देखो समव शरण में एक ही तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं, समव शरण में उनके दर्शन और उपदेश का निमित्त पाकर कोई मुनि हो जाता है, कोई वृद्धि श्रावक हो जाता है, कोई सम्यक दृष्टि हो जाता है, अथवा कोई स्वयं अरहंत भी बन जाते हैं, तो उन्हें किसने बनाया? एक तीर्थंकर परमात्मा, एक उपदेश देने वाले। चलो तीर्थंकर परमात्माओं की तो आप क्या कहें, श्रद्धा का ही विषय है। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ना, 10th का एग्जाम देना है और 50 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, एक ने टॉप किया, एक विद्यार्थी मेरिट में आ गया, एक फेल हो गया, तो टीचर ने अलग अलग पढ़ाया था क्या उनको? जिसकी जैसी योग्यता थी उसने वैसा सीखा, समझाने वाला कुछ नहीं कर सकता है। तीर्थंकर भगवान यदि किसी को बनाते अथवा किसी का परिवर्तन कराने में समर्थ होते तो
इसको सबको अरहंत भगवान ही बनाते, क्या करें। प्रत्येक जीव अपनी पात्रता और पुरुषार्थ से जो बनना शक्य है बन जाता है, हो जाता है। भगवान को निमित्त मात्र है, वे किसी को नहीं परिणमाते। ऐसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानकर बाह्य वस्तु से अपना लक्ष्य हटाकर हमें निज शुद्धात्मा के सन्मुख होना चाहिए। ये दृष्टि को समस्त पर पदार्थों से हटाने की ये हम प्रेरणा दे रहे हैं। दृष्टि निमित्ताधीन नहीं हो, निमित्तों से हमारी दृष्टि हटे, इस भावना से मैं अभी की बात को तो यहीं चला।